मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बनाने वाले हैं अपनी राबड़ी को बड़ा ही मज़ेदार। हरियाणा में गर्मियों के मौसम में हर घर में राबड़ी बनाई जाती है, जिसके लिए मैंने एक गिलास लिया है। ये वही राबड़ी है जो मॉर्निंग में चाय लस्सी में घोल के पी जाती है और शरीर को बहुत ही तंदुरुस्त और शरीर की गर्मी को वो कंट्रोल रखता है, शरीर में ज़्यादा गर्मी पैदा नहीं होने देता है और काफ़ी बीमारियों से हमें बचाता है। इसमें हम एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, जितना बारीक हो सके आप उतना काट लीजिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम राबड़ी पीते हैं तो उसके छोटे छोटे प्याज के जो चंक्स हमारे मुंह के अंदर आते हैं तो वो राबड़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया बना देता है। और अब हम इसमें एक बारीक कटी हुई मिर्च डालेंगे। जी हाँ, इसमें हम एक बारीक हरी कटी हुई मिर्च डालेंगे। और मैंने सब्जा सीड लिया था जिसको मैंने 15 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था, एक चम्मच हम इसके अंदर वो डालेंगे और बस अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक गिलास रोज़ पीजिए और अपने शरीर को तरोताज़ा कीजिए। और ये एकदम हेल्दी ड्रिंक है, पुराने ज़माने से चली आ रही है। पहले के लोग राबड़ी खाते थे और बहुत ही मजबूत होते थे। आज के समय में हमारा खान पान बदल रहा है, हमारा खाने पीने का ढंग बदल रहा है, तो शरीर में काफ़ी बीमारियां दिक्कत होती है। आप इस तरह देसी चीज़ों का जितना हो सके गर्मियों के मौसम में यूज कीजिए और शरीर को तरोताज़ा कीजिए, मजबूत कीजिए। और ये हमारी रेसिपी बनके तैयार है, ये मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और पीने में लाजवाब है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और राबड़ी की रेसिपी यदि आपको नहीं आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और ये है अंगाकड़ा, राबड़ी के बिना अंगाकड़ा अधूरा होता है और हमारे यहाँ पे बनता है, ये आँच पे बनाया जाता है और इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। और आप एक बार ट्राई कीजिए। और यदि मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली मेरी वीडियो भी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। और आप इसे बना के मुझे कमेंट में बताना कि आपको राबड़ी कैसी लगी इस तरह। अगली वीडियो में थैंक यू।